Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment. दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन बच्चों के लिए जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं NIOS बोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं और 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं. एक्चुअली जब कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या किसी टीचर से बात करते हैं या कि बाहर किसी साइबर कैफे पे बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फीस में लगता है कि फीस आपको झूठी बताई जा रही है, यानी कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगा जाता है. मैं यहां पर इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि NIOS बोर्ड में 10th में एडमिशन आप खुद भी अपने मोबाइल से अपने घर बैठे ले सकते हो. एडमिशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़ा सा समझ लेना है आपको. सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, राइट. साथ ही मैं आपको यहां पर बताऊंगा इसका फी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या ये बॉक्सेज जो बने हैं इतनी सारी फीसेज आपको देनी पड़ती है या फिर इसकी नॉर्मल सी एक फीस होती है जिसके आपको जानकारी नहीं है और इसकी वजह से लोग आपसे, जितने भी बाहर एजेंट्स होते हैं, वो आपसे मोटी मोटी फीस वसूल लेते हैं. 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 तक के केसेस मैंने देखे हैं. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और घर बैठे बैठे अभी मोबाइल फोन पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से NIOS बोर्ड के अंदर आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बहुत कम नाम मात्र फीस के साथ, राइट. तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं NIOS के 10th क्लास के एडमिशन के बारे में और साथ में उसके फीस का प्रोसेस क्या है. दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं आपको बताऊं, व्हाट्सएप नंबर ये है हमारा 9718055330, जिसपे कॉन्टैक्ट करके आप और रही बची जानकारी ले सकते हैं और आप चाहें तो हमसे भी एडमिशन करवा सकते हैं. वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक बच्चा 10th क्लास में एडमिशन लेता है तो उसकी कंडीशंस होती हैं. पहला, या तो वो 7th, 8th या 9th किसी जमाने में पढ़ा होगा या हाल ही में उसने 8th या 9th में वो फेल हो गया होगा और वो 10th में एडमिशन लेना चाहता है तो NIOS बोर्ड में उसका स्वागत है. दूसरा केस, अगर बच्चा 10th का पेपर कहीं पे दिया था और वो 10th में फेल हो गया है तो भी वो NIOS बोर्ड के अंदर फ्रेश एडमिशन लेकर 10th को दोबारा से कर सकता है. अब यहां पर एक बात और बनती है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स थे बचपन में, आज की डेट में वो जॉब में या फैक्ट्री में काम करते हैं लेकिन उनके पास 10th की मार्कशीट नहीं है. अगर हम उनसे बात करें कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो कहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट भी हमारे पास नहीं है. मतलब कि मार्कशीट तो उनके पास कोई है ही नहीं, ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना TC है, जबकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, राइट. अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है या फिर आप SLC है तो आप बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हैं 10th क्लास के अंदर. लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एडमिशन फिर भी हो जाता है, एक सेल्फ सर्टिफिकेट लगता है. अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, जानकारी नहीं है सेल्फ सर्टिफिकेट कैसा होता है, क्या होता है या आपको कैसे अरेंज करना होता है, तो आप हमसे भी सेल्फ सर्टिफिकेट बनवा कर अपना एडमिशन यहां पर ले सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. फीस का भी हम बात करेंगे, पहले मैं बताऊंगा आपको आधार कार्ड आपको सेंड करना होता है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसके नीचे आपका नाम और उसके नीचे डेट होनी चाहिए, अगर ना भी हो तो भी चलेगा बट ये होना मैंडेटोरी है, राइट. साथ में सेल्फ सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर पे आप करेंगे वो चाहिए होता है, उसका फोटो खींचना है आपको. आपका एक ईमेल आईडी पर्सनल होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर जिस पे कि OTP आता है. जब भी कोई आपका एडमिशन करेगा या आप खुद एडमिशन करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे दोनों पे OTP आता है. ये किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब एक दलालों से शेयर नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपके OTP को उसमें डालेंगे और आपके जो स्टूडेंट पोर्टल जो बनेगा इसके बाद वो उसको एक्सेस कर लेते हैं उसका पासवर्ड चेंज करके. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये किसी समझदार व्यक्ति से या ऐसे ही किसी पर्सन से आपको एडमिशन करवाना चाहिए जिस पे आपका पूरा भरोसा बनता हो. तो दोस्तों यहां पर आपको ये चीजें समझनी है और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है, राइट. तो ये थे डॉक्यूमेंट्स, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप इजीली 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, NIOS बोर्ड आपका स्वागत करता है मेरे साथ. अब यहाँ पर बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका रजिस्ट्रेशन फीस, जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, अपने 5 सब्जेक्ट पूरे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपकी जो फीस बनती है रजिस्ट्रेशन की जो आपको पे करनी होती है शुरू शुरू में, वो होती है आपकी 2350 रुपये. ये आपकी फीस होती है 2350 रुपये. शुरू में आपको सिर्फ यही फीस देनी होती है, इसके अलावा आपको कोई फीस और नहीं देनी होती. जैसे एडमिशन चार्ज नहीं देना होता, काउंसलिंग फीस कुछ नहीं होती, सॉल्व असाइनमेंट्स क्या होते हैं, क्या इसकी कोई फीस लगती है, नहीं लगती, सॉल्व प्रैक्टिकल्स की कोई फीस लगती है, नहीं लगती. तो आपकी टोटल फीस कितनी बनी, वो ये है जो 2350 बनी. अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, जो आपके एग्जाम्स और प्रैक्टिकल की फीस होती है जो एक बार और आपको देनी होती है, अगर आप 5 सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपकी फीस होती है 1750 रुपये. ये आपकी फीस बनती है और 1750 रुपये जब आप पे कर देते हैं तो आप अपने एग्जाम्स और अपने प्रैक्टिकल्स दे पाते हैं. ध्यान रखिएगा, ये फीस जमा करने के बाद इस फीस को जमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये फीस पहले नहीं देनी होती. किसी को भी ये पहले मत दीजिए, ये फीस आपको बाद में ही देनी होती है, आपके फाइनल एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले आपकी ये फीस जमा होती है.
फिर आप अपने प्रैक्टिकल जमा करते हैं और अपने फाइनल एग्जाम्स देते हैं, जिसके बारे में सारी जानकारी हमारे इस वीडियो की सभी प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उनको देख सकते हैं और वहां से आप सब कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस है 2350 रुपये और आपकी जो एग्जाम एंड प्रैक्टिकल की फीस होती है वो होती है 1750। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 5 सब्जेक्ट की। अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो बिल्कुल आपके अमाउंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है, आपकी फीस फिर 2350 नहीं, ये फीस आपकी 3000 से ऊपर की चली जाती है, यानी कि 850-900 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, राइट? तो यहां पर आपको ये समझना है कि 5 सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, अगर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 850-900 रुपए आपके कुछ बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब 10th क्लास का टोटल खर्चा कितना हुआ अगर 5 सब्जेक्ट के साथ एडमिशन ले रहे हैं, तो आप यहां पर टोटल कर सकते हैं। टोटल आपका जो खर्चा हुआ वो हुआ 4900, यानी कि 4900 रुपए में पूरा 4900 रुपीज में आप पूरा 10th कर सकते हैं NIVS बोर्ड के साथ। लेकिन बच्चे कमेंट में क्या लिखते हैं कि सर मेरे को तो 10th क्लास 40,000 की पड़ गई, मेरे को तो सर 25,000 की पड़ गई। ये तभी होता है जब आपका टकराव किसी दलाल से हो जाता है या किसी एजेंट से हो जाता है और वो आपसे मोटी मोटी रकम वसूल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस तरह से नॉर्मल फीस से आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि NIVS बोर्ड के अंदर पास होना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आपके पास सही गाइडेंस ना हो, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल के थ्रू आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। साथ ही नीचे देख सकते हैं, नीचे स्ट्रिप पे भी मेरा नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूरा जवाबदेही ले सकते हैं हमारी। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं तो आपको क्या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये फीस होती है जो पे करनी होती है, लेकिन उससे पहले आपको एडमिशन चार्ज हमें देना होता है 500 रुपीज़ का। ये पैसे हम आपसे कह के लेते हैं 500 रुपीज़, जो एडमिशन चार्ज हम आपका पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं गलती नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसका भुगतान बाद में करना पड़ता है या फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो 500 रुपीज़ हम आपसे कह के चार्ज देते हैं। साथ ही हमारी काउंसलिंग फीस होती है जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपको किस तरह से पास होना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ और पे करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपका टोटल अमाउंट जो बन जाता है इसको पूरा देने के बाद, तो इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप 800 रुपये हमें फालतू दे रहे हैं तो इसका बेनिफिट देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आपको सॉल्व असाइनमेंट हम क्या देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपके सॉल्व असाइनमेंट जो है हम अपलोड करेंगे आपके स्टूडेंट पोर्टल पे और आपकी पूरे एडमिशन का एंड तक जब तक आपका रिजल्ट पास का नहीं आ जाता आपको पूरा सपोर्ट करते रहेंगे इसी 800 रुपये पे। सॉल्व असाइनमेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सॉल्व प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो आपको PDF बने बनाए आपके स्टूडेंट जो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर हम आपको दे देंगे। तो ये भी आपको कैसे मिलता है, ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसमें आपको कोई चार्ज हमें देना नहीं पड़ता। तो अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं 800 रुपीज़ में सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब आप सोच के देखिए कि आपका टोटल फीस कितना हुआ, यानी कि सीधी सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देख लिया, अब आपके मन में है 10th में एडमिशन लेना है, मेरे को सर से बात करनी है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, नीचे स्ट्रिप पे भी दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट करिए हमसे और अमाउंट आपको पहले ही पता है, आप सीधा ये बोलिए सर एडमिशन करवाना है बस, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना बन रहा है आपको जो देना है वो है देना है सिर्फ 3150 रुपये। अब आप पता क्या करो, अब आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरे जहान में पता कर लो, आपको ये फीस कहीं पे भी नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत अच्छी थी, नॉलेजेबल थी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह इस वीडियो को फैलाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर से कीजिएगा, ताकि बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ताकि पास होने में आपको और भी ज़्यादा आसानी हो। दोस्तों पूरा सपोर्ट हमारा रहता है जब तक बच्चा पूरा गारंटीड पास नहीं हो जाता, ये आपको फीस शुरू में देनी होती है, ये 1750 ये आपको अभी नहीं देना, ये देना होता है आपको बाद में। जब आप ऐसा करते हैं तो इस 4900 रुपये में आपके कितने 800 रुपये थोड़े से एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल फीस जो होती है वो 4900 ही होती है। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एडमिशन करवाने के लिए तुरंत व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए और एडमिशन करवाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।